गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक अनदर न्यू टॉपिक के बारे में। आज हम बात करने वाले हार्ट अटैक के बारे में, बात करने वाले कि हार्ट अटैक एक्चुअली में होता क्या है और इस कंडीशन में एक्चुअली में हार्ट में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इन दिस रीसेंट वीडियो। सबसे पहले आपको ये जान के काफी सरप्राइज होगा और काफी सैड फील होगा कि हार्ट अटैक से अबाउट 7 लाख लोग हर साल उनकी डेथ हो जाती है एंड इट इज अ सीरियल किलर डिसीज जिससे काफी लोग हर साल मर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट इट, इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं और एक्चुअली में इसमें क्या होता है। अगर हम बात करें एक सिंपल भाषा में, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हार्ट अटैक की अगर एक डेफिनेशन, तो हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा हार्ट जो होता है वो अपनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पीड से पंप नहीं कर पाता। हमें आपको पता ही होगा कि हमारा हार्ट एक पंप है और जब वो पंप करता है तो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ब्लड पंप करता है, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ब्लड पहुंचाता है। तो जब हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है और जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, उस कंडीशन में हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द sufficient amount of the blood to the various part of the body, your body के various parts को sufficient amount of blood नहीं पहुंचा पाता। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि heart की जो muscles हैं, उनको भी oxygen चाहिए, उनको भी oxygenated blood चाहिए कि उनको मिलेगा तभी वो body के various parts तक पहुंचा पाएंगे। अब उनको वो oxygenated blood कहाँ से मिलता है? उनको वो oxygenated blood मिलता है, मतलब oxygen वाला blood कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कोरोनरी आर्टरीज से। ठीक है, मतलब एक तरह की ट्यूब्स हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। अब अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आ गई, किसी भी तरह की नैरोइंग हो गई किसी भी रीजन की वजह से, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड द हार्ट अटैक। और अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज इज वन ऑफ द प्राइम रीजन बिहाइंड द हार्ट अटैक। अब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज कैसे कैसे हो सकती है? व्हाट कैन बी द रीजन व्हिच कैन बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज? अब प्लेग का नाम सुनोगा, जैसे हमें पता है कि जब किसी बंदे की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, यानी कि अनरिक्वायर्ड फैट का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फैट होती है तो वो क्या करती है, इस कोरोनरी आर्टरीज में इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, और जब वो इकट्ठा होनी शुरू होती है तो वहां वो प्लेक बना देती है। प्लेक मतलब क्या है कि वो एक तरह का एक गुच्छा बन चुका है फैट का। अब वो क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरीज जहां से ब्लड नॉर्मली जा रहा था उस रास्ते को कम कर देगा। अब अगर ब्लड को जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे पहुंच पाएगा हार्ट की तरफ? ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन। और अगर वो प्लेक फट जाए, जिससे अगर वो प्लेट एक तरह ब्रस्ट हो जाए तो ब्लड क्लोट बन जाता है, तो अल्टीमेटली फैट के प्लेक बन जाना, वो फैट के प्लेक क्या करते हैं, या तो कोरोनरी आर्टरीज को नैरो कर देते हैं या कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। जब वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं तो दैट इज अ सीवियर हार्ट अटैक काइंड ऑफ अ कंडीशन। ओके, सो ये हो गया रीजन और साइंस बिहाइंड द हार्ट अटैक। ओके, अब व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब अगर आपकी पहले बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। ये हमने बात कर लिया कि क्या क्या होता है और क्या क्या मतलब कंडीशंस हो सकती हैं। सिम्टम्स की बात करें, जो मेजर सिम्टम जो बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द हार्ट अटैक इज द चेस्ट पेन। ओके, उसके चेस्ट पेन इज वन ऑफ द मेजर सिम्टम, और वो चेस्ट पेन धीरे धीरे लेफ्ट जॉ लेफ्ट शोल्डर में शिफ्ट होना शुरू होती है और एब्डोमिन की तरफ भी पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि नीचे स्टमक की तरफ भी होना शुरू हो जाती है। ओके, बट इन द ये देखा गया है कि इन एल्डरली पीपल और वुमेन में जो होता है वो इस चेस्ट पेन और इस तरह के लेफ्ट जॉ और लेफ्ट शोल्डर इस तरह के सिम्टम्स मोर कम ऑब्जर्व होते हैं। सो अल्टीमेटली उनमें कुछ और सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं वो मेजरली ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द वुमेन और इन द एल्डरली पेशेंट ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। अब आपने साइलेंट हार्ट अटैक का भी नाम सुना होगा। साइलेंट हार्ट अटैक इज वन ऑफ द कंडीशन जिसमें कोई सिम्टम्स ही ऑब्जर्व नहीं होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन एंड दिस आर द सिम्टम्स विच आर नॉट नॉर्मली ऑब्जर्व। ये साइलेंट हार्ट अटैक जो है, अगर कोई किसी पेशेंट को डायबिटीज है, काफी लॉन्ग टाइम से डायबिटीज है, तो वो सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं ऑफ द साइलेंट हार्ट अटैक। क्योंकि जब पेशेंट डायबिटीज से सफर करते हैं तो उनको एक डिसऑर्डर होता है डायबिटीज से रिलेटेड ही,
जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारी नर्व्स जो हमारी पेन सेंसेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी उनमें नंबनेस आ जाती है। मतलब अगर आपको, अगर उस तरह के पेशेंट को थोड़ा सा पिंच भी करेंगे तो उसको पेन फील नहीं होगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग विच हैपेंस इन द डायबिटिक न्यूरोपैथी काइंड ऑफ द कंडीशन, जिसमें जिसकी वजह से पेशेंट को किसी भी तरह की पेन सेंसेशन नहीं फील होती है। सो दिस इज दिस आर द मेजरली सिम्टम। और साइलेंट हार्ट अटैक के पीछे के मेजर रीजन क्या है कि मतलब इसमें कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं रहते हैं एंड डायबिटिक वाले पेशेंट ही इसके ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। उसके बाद अब पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका है, अब क्या क्या डॉक्टर्स क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, बहुत सारी ECG को देख सकते हैं। ECG को क्यों करेंगे, ताकि उनको एक्चुअली में पता चल जाए कि ब्लॉकेज एक्चुअली में कहाँ पे है, कोरोनरी आर्टरीज में कहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है। फिर उसके अलावा वो ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हार्ट मसल जो है एक्चुअली में उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। अब हार्ट अटैक हो चुका है पेशेंट को, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, अब डॉक्टर्स क्या क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं उस ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली टेक्निक जो यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं वो एंजियोप्लास्टी, जिसमें एक बैलून दिया जाता है, उस बैलून को इंसर्ट करके उसको इन्फ्लेट करके कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेज को ओपन किया जाता है। सो फर्स्ट टेक्निक विच दे कैन यूज इज द एंजियोप्लास्टी। अदर देन दीस थिंग्स दे कैन ऑल्सो इंसर्ट ए स्टंट। वो स्टंट क्या करता है कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं उनको होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से ब्लड को जाने के लिए रास्ता मिलता रहता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग दे कैन यूज इज बाईपास सर्जरी। दे कैन ऑल्सो गो फॉर द बाईपास सर्जरी, बट दिस इज यूज इन द इंटेंसिव केसेस, ओके। सो बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि जब कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू कोई रास्ता नहीं मिल रहा है ब्लड पहुंचाने का, तो बॉडी के किसी अदर पार्ट से आर्टरीज को ओपन करके, यानी कि एक बाईपास रास्ता निकाला जाता है। जब हम सीधे रास्ते से काम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें बाईपास रास्ते से जाना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट इज अ कोरोनरी बाईपास सर्जरी, ओके। ये सब बात होगी हार्ट अटैक होता क्या क्या है, कैसे हो सकता है, क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। और एक ये भी है कि अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया तो आप एट एमरजेंसी यू कैन गिव द एस्पिरिन और नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स जो हैं ये थोड़ा थोड़ा कोरोनरी आर्टरीज को ओपन करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बंदे को बचा रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ये ड्रग का फायदा क्या होगा और बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि आप अगर अपनी होम से डॉक्टर के पास जाने के लिए और हॉस्पिटल के जाने के रास्ते के बीच में पेशेंट की डेथ को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब अगर पेशेंट की थोड़ी बहुत ही ब्लॉकेज है उसको थोड़ा बहुत ओपन करने में हेल्प मिलेगी, जो आर्टरीज है वो नैरो होने से थोड़ी ओपन हो जाएंगी और थोड़ा ब्लड पहुंचता रहेगा, जिससे डेथ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो यू कैन यूज दिस टू ड्रग्स, ओके। सो ये सारी बात हो चुकी है हार्ट अटैक की। सो व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, व्हाट कैन बी द प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हैं अगर आपको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है और आप ये चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक ना हो। सबसे पहले अपनी जो डाइट है उसमें जो है फैटी फूड्स को कम करो, इनटेक द फाइबरस फूड, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर डाइट इज वन ऑफ द मेजर रीजन, जैसे ही मैंने पहले ही बताया। और डू सम रेगुलर एक्सरसाइजेस ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब कुछ अगर आपको पहले से हार्ट अटैक हो चुका है तो आप रेगुलर बेस पे मत कीजिए, आप 2 या 3 दिन के बाद और 1 या 2 दिन के बाद यू हैव टू डू द एक्सरसाइज ओनली अपॉन द डॉक्टर रिकमेंडेशन, ये डॉक्टर कौन सी एक्सरसाइज आपको रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। सो अदर देन दिस लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब वही आपको अपना, अगर आप ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है फैट ही रहता है बॉडी में। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट साइलेंट हार्ट अटैक के रिस्क पे भी रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से हार्ट अटैक के बारे में काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली, एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर सो काफी लोगों को पता चले कि हार्ट अटैक होता क्या है और इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम रहती है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इंपॉर्टेंट कंटेंट। थैंक यू।